में आज की क्लास YouTube चैनल से रिलेटेड है। वीडियो कैसे ग्रो करेगी ज्यादा, वीडियो हमने YouTube चैनल बना लिया है, अपलोड कर ली, बाकी क्या क्या लवाजमात हमें चाहिए, उसका आज की क्लास में वन बाई वन जायजा लेंगे। इब्तदाई में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप यूट्यूबर हैं, यूट्यूब चैनल रन कर रहे हैं या नया यूट्यूब चैनल बना रहे हैं, तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, एंड तक देखिएगा, कोई चीज़ मिस ना कीजिएगा, ताकि आप पूरी बात को समझ सकें। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे पिछले सेशन में हमने बात की कि YouTube चैनल जब बनाने लगें तो सबसे पहले देखें कि उसका नाम यूनिक हो। आपने YouTube चैनल बना लिया, उसका नाम यूनिक है, आपने ये भी डिसाइड कर लिया नंबर टू पे कि मैंने कॉन्टेंट क्या अपलोड करना है, क्या वो ऑनलाइन ट्यूशन होगा, फ्रीलांसिंग से रिलेटेड होगा, फूड होगा या ट्रैवल होगा, व्हाटएवर जो आप डिसाइड कर बैठे हैं। अब जब बात आती है वीडियो अपलोडिंग की, तो उसके जो बुनियादी और मरकजी किरदार हैं वो क्या है। याद रखिए कि कंटेंट जो है नंबर वन पे आपका बड़ा जानदार होना चाहिए, पहले 30 सेकंड बड़ा इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, दूसरों के लिए मददगार और हेल्पफुल साबित होना चाहिए, और फिर कंप्लीट पूरी वीडियो इतनी इंफॉर्मेटिव होनी चाहिए कि देखने वाला समझ सके आपकी वीडियो को देखकर कि YouTube चैनल कैसे बनाया जाता है, ये कैसे मोनेटाइज होता है, 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे वॉच टाइम क्या है। तो जो बुनियादी आपकी मेन चीज है नंबर वन पे, वो है कंटेंट। जब तक मियारी और जानदार नहीं होगा, देखने वाला चंद सेकंड आपकी वीडियो देख के छोड़ देगा। इससे क्या होगा कि आपकी वीडियो रैंक नहीं करेगी, जो भी ट्रैफिक आपके अकाउंट पे आएगी आपका कंटेंट मियारी और जानदार ना होने की वजह से छोड़ के चली जाएगी। ये याद रखिए कि आज हर दूसरे बंदे ने, चाहे वो अमेरिका में, पाकिस्तान में, इंग्लैंड में, जापान में, उसने यूट्यूब चैनल क्रिएट किया हुआ है। एक बड़ी सख्त और मुकाबले की फिजा चल रही है। जब तक आप बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंट नहीं बनाएंगे, मियारी नहीं बनाएंगे, बात बनेगी नहीं। दूसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, वो है आपकी वीडियो पे थंबनेल। थंबनेल क्या होता है? जो आपकी वीडियो पे लगा एक कवर होता है, वो सारा आपकी ट्रैफिक को डाइवर्ट करवा के अपने चैनल पे लाता है। थंबनेल जितना कैची अट्रैक्टिव होगा, उतनी ज़्यादा जो है ट्रैफिक आपके यूट्यूब चैनल पे आएगी। जितना थंबनेल खूबसूरत भी नहीं होगा, बेजान सा होगा, ज़्यादा कैची नहीं होगा, तो फिर आप महीनों क्या सालों साल मेहनत करते रहेंगे, आपका यूट्यूब चैनल ग्रो नहीं करेगा। इसलिए यूट्यूब चैनल को अगर आपने कामयाब कराना है, तो दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आपने यूट्यूब चैनल बड़ा कैची, बड़ा अट्रैक्टिव रखना है। नंबर थ्री पे जो चीज़ है वो है किसी वीडियो के उससे रिलेटेड सर्च टैग। सर्च टैग क्या है? मसलन मोटिवेशन से रिलेटेड एक वीडियो है, तो आपने मोटिवेशन के ही सर्च टैग डालने हैं, ना कि आप ट्रैवलिंग के डाल दें या फूड के सर्च टैग डाल दें, तो ऐसे नहीं होगा। कभी भी कोई बंदा उन रिलेटेड सर्च टैग के ज़रिए जब सर्चेस करता है यूट्यूब पे, तो वो रिलेटेड वीडियो सामने आना शुरू हो जाती हैं। आपकी वीडियो मोटिवेशन से रिलेटेड हो और सर्च टैग फूड के लगे हो, तो आपका यूट्यूब चैनल कभी भी ग्रो नहीं करेगा, बल्कि तबाह हो जाएगा। इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी वीडियो को, चौथा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, अपलोड करें, तो उसकी डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छी बने। कम अज़ कम 1000 वर्ड की इंग्लिश में डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। उसके साथ आप ग्रामरली अटैच करेंगे। याद रखिए, जो डिस्क्रिप्शन ग्रामरली के बगैर भरी जाती है, हमें लगता है कि ग्रामेटिकली वो करेक्ट इंग्लिश है, लेकिन वो गलतियों वाली होती है। उससे यूट्यूब और गूगल जो है वो ज़्यादा हाईलाइट नहीं करते, वो नंबर वन पे नहीं आती। कम अज़ कम 1000 वर्ड की आप डिस्क्रिप्शन लिखें, ग्रामरली इस्तेमाल करें। उसकी वजह ये है, जैसे मैंने पिछले सेशन में भी आपको रिक्वेस्ट की कि अभी मैं आपसे उर्दू में मुखातिब हूँ,
तो जब मैं उर्दू में मुखातिब हूँ, मेरा थंबनेल इंग्लिश में है, तो यूरोप, अमेरिका, कनाडा के अंदर बैठा एक बंदा थंबनेल से समझ जाता है कि मैंने इस सब्जेक्ट पे बात की है। लेकिन जब वो मेरे वीडियो लेक्चर को सुनता है तो उसे मालूम होता है कि मैं कोई और लैंग्वेज बोल रहा हूँ। तो फिर वो फौरन मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर देखेगा कि मैंने क्या बात की है। अगर तो मैंने डिस्क्रिप्शन इंग्लिश में भरी, अच्छी भरी, टू द पॉइंट भरी, तो वो समझ जाएगा वीडियो देखे बगैर भी कि मैं इस मतलब काम कर रहा हूँ, मैं इस चीज़ का एक्सपर्ट या प्रोफेशनल हूँ। तो ये चार बुनियादी चीज़ें हैं दोस्तों, जो यूट्यूब चैनल बनने के बाद आपका काम स्टार्ट होता है। कंटेंट कितना म्यारी है, थंबनेल कितना ज़बरदस्त है, उसके साथ सर्च टैग्स कितने रेलिवेंट हैं, और उसके साथ जो है आपने डिस्क्रिप्शन कितनी अच्छी भरी। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। पावर ऑफ सोशल मीडिया के अगले सेशन में हम बात करेंगे कि यूट्यूब चैनल को कैसे कामयाब बनाएं, वो कौन से स्टेप्स हैं जो हम ले सकते हैं। अभी के लिए मुझे दें इजाज़त, फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।